अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एमएफएससी पार्ट वन की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर वन दैट इज इंट्रोडक्शन, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजिकल मेथड को डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे समझ आई होगी। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, के बायोलॉजी ने किस तरह इंसानियत को या किस तरह इंसान की, ह्यूमंस की किस तरह से खिदमत की है, किस तरह से किस किस फील्ड में अपना रोल प्ले किया है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो बायोलॉजी ने जो है वो मेजर फील्ड में अपना रोल प्ले किया है। अगर हम इसमें बात करें फूड प्रोडक्शन की, बायोलॉजी ने फूड की प्रोडक्शन में, मतलब फूड को सेव करने में भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन कम्बैटिंग डिजीज, लड़ाई से, सॉरी बीमारियों से लड़ने में भी जो है इसने हमारी हेल्प की है, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में भी, मतलब एनवायरनमेंट किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए भी बायोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल अपना प्ले किया, ठीक है। अगर हम देखें जो है वो बायोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक्चुअली में होता क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि हमने ऐसी ब्रीडिंग करवानी है, ऐसी ब्रीड्स तैयार करनी है कि जिसमें अपनी मर्जी की जीन्स को एंटर कर सके। अगर हमें, अगर हम चिकन की बात करें, हैन की बात करें, तो उसमें वो जीन्स ऐड करेंगे, उन वो डीएनए ऐड करेंगे कि जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो रैपिड हो जाएगी और उनका मीट जो है वो भी ज्यादा बनेगा, चिकन जो है वो भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है बायोलॉजी के थ्रू हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम हम किसके थ्रू करते हैं, बायोलॉजी के थ्रू। अब ट्रांसजेनिक क्या होता है, ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि फॉरेन डीएनए, मतलब कि हमने कोई इसमें ऐसा एनिमल में ऐसा डीएनए ऐड करना है जो हमने किसी दूसरे एनिमल से किया। जैसे कि मैंने अभी आपको सिलेक्टिव ब्रीडिंग का बताया, उसमें हमने अपनी मर्जी से ब्रीड करवाना है, जिसे जैसे कि शीप को सबसे पहले जो है वो ब्रीड करवाया था एक साइंटिस्ट ने, उसने क्या किया था अपनी मर्जी के जीन उसमें ऐड किए थे, ठीक है, ताकि वो शीप जो है उसमें उसकी जो उसकी क्वालिटीज उसके हिसाब से हो। उसके बाद क्या करते हैं, बायोलॉजी के थ्रू हम क्लोनिंग भी कर सकते हैं। अब क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग कॉपीज, मतलब कि एक जैसी हमने बहुत सारी कॉपीज बनानी। अगर रोबोट्स की बात करें तो रोबोट्स भी कॉपीज ही होते हैं एक दूसरे के, तो एक जैसे बहुत से रोबोट्स जब बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक दूसरे के क्लोन बनेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे टिश्यू कल्चर की। क्लोनिंग में अगर हम एग्जाम्पल लें टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, सपोज हमने क्या किया है, यहां पे एक प्लांट हम ड्रॉ करते हैं, इस प्लांट से हमने क्या लिया, इस प्लांट से हमने इसकी एक जीन ले ली, हमने यहां से इसकी ये जीन ली, ठीक है, इसे हमने ये जीन निकाली। अब इस जीन को हमने एक और प्लांट में इंसर्ट कर देना, ठीक है। इस जीन को जब हम एक और प्लांट में इंसर्ट करेंगे, उससे क्या होगा, जो प्लांट, जो न्यू प्लांट बनेगा वो उसमें हमारे जो है आर्टिफिशियल मीडियम में उसको ग्रो करवाएंगे, और उसमें जो क्वालिटीज हमें इस प्लांट में चाहिए वो क्वालिटीज हम इस जीन के थ्रू उससे जो है वो ले लेंगे, ओके ओके स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो बायोलॉजी है उसने बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस भी बनाए, प्लांट पैथोजेंस में अगर हम बात करें तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पेस्ट की। पेस्ट क्या होती है, पेस्ट
वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक केमिकल्स की, अगर हम बात करें जिसमें बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद हम बात करें फंजीसाइड्स, और लास्ट पे अगर हम देखें पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड क्या होंगे? इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल होंगे जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किए जाएंगे, मतलब कि ज्यादातर इन पेस्ट का, इन केमिकल्स का यूज, प्लांट पैथोजेंस का यूज ज्यादातर फील्ड वगैरह पे, क्रॉप्स पे होता है। फंजीसाइड्स वो केमिकल होंगे जो फंजाई को किल करने के लिए यूज किए जाएंगे, और पेस्टिसाइड्स क्या होंगे? टू किल पेस्ट, मतलब कि छोटे छोटे, इसके अलावा जो हशरात होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको किल करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करेंगे, दैट इज पेस्टिसाइड। ओके ओके, तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये क्या, इससे क्या होता है, इसका एक बैड इफेक्ट भी है, ठीक है। इससे क्या होता है, इन तीनों केमिकल से ये टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया इंसेक्ट्स के बारे में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होते हैं? अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो इसका मतलब है कि हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कंट्रोल करना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम लेखे जो वॉलेट का ट्री होता है, ठीक है, वॉलेट जो खरोट का दरख्त होता है, उसके ऊपर एक इंसेक्ट जो है वो अटैक करता है, जिसको हम कहते हैं एफिड। ये क्या करता है, ये वॉलेट के ट्री के ऊपर अटैक करता है, उसके फ्रूट को, उसके ड्राई फ्रूट को जो है वो खाना शुरू कर देता है। अब इस एफिड को रोकने के लिए जो हम दूसरा इंसेक्ट यूज करेंगे, दैट इज अ वेस्प, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इस इंसेक्ट को किल कर देगा, इस इंसेक्ट को ये खा जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल करवाया, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ओके, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें, दैट इज पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है, ये सारे हम पढ़े हैं, बायोलॉजी ने इंसानियत की, मैनकाइंड को किस तरह से सर्व किया, उसके लिए किस तरह से कौन कौन सी जो है वो डील्स दी हैं, ठीक है। और पास्चुराइजेशन को हम इस पास्चुराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक थी इसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने, इसलिए उसी के नाम से इसको पास्चुराइजेशन का नाम दिया गया। अब ये टेक्निक किस थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, मतलब कि उनको महफूज करके रख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो डिब्बे में दूध होता है वो खराब नहीं होता, जबकि जो घर में दूध होता है वो थोड़ी देर बाहर पड़ा रहता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। अब डिब्बे वाला दूध खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ऐसे इसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ऐसे मेडिसिन यूज की जाती है जो उसको खराब होने से बचाती है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं पैस्चराइजेशन, ठीक है। अब ये टेक्निक यूज क्यों जाती है, ताकि फूड स्पॉइलर जो है वो कम हो सके, खुराक खराब ना हो, खाना खराब ना हो। ओके, अब इसके बाद हम लास्ट में देखें हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब ये क्या चीज है, इसको भी डिस्कस करते हैं।
हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक क्या है? अब आप देखेंगे जैसा कि जो सॉइल है वो प्लांट के लिए एक इम्पोर्टेंट मीडियम है, लेकिन हम सॉइल में सॉइल को यूज करते हुए हम ये नहीं पता लगा सकेंगे कि प्लांट को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या उसको मिनरल चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्लांट्स को सॉइल फ्री इन्वायरमेंट में ग्रो करवाना पड़ेगा। इस टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने ये देखना है कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और किस अमाउंट में चाहिए। तो अगर हम इस प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल दे देगी उसे, जिससे हमें इसका सही तरह से अंदाजा नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने इसको इस एनवायरमेंट में ग्रो करवाना है जहाँ पे सॉइल ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, मतलब कि जो खला में जाते हैं, दूसरे सितारों पे जाते हैं, वो इस टेक्निक को यूज करते हैं प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। ठीक है, क्योंकि ये इतनी जो है वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हमने इसमें ये देखा कि एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं। क्यों इसको यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये वो टेक्निक है जिसमें हम ये देखते हैं कि प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स किस अमाउंट में चाहिए। तो अगर प्लांट्स नेचुरल सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट हमें पता नहीं चलेगी, जबकि हमने प्लांट्स को कैसे इन्वायरमेंट में ग्रो कराना है, जो सॉइल फ्री इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे मिट्टी ना हो। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं दूसरे प्लैनेट्स में वेजिटेबल्स को ग्रो करवा के उनको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और ये टेक्निक इतने फिजिबल नहीं है, मतलब कि पॉसिबल नहीं है तो कि हम इस टेक्निक को मोर से यूज कर सके, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ये पढ़ा है कि बायोलॉजी ने किस किस वे में किस किस तरह से मैनकाइंड को सर्व किया। उसमें हमने पहले ट्रांसजेनिक प्लांट्स को देखा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को देखा, उसके बाद हमने क्लोनिंग को डिस्कस किया, फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसके बाद पेस्टिसाइड्स को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक और पेस्टराइजेशन को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।